हाँ जी बिल्कुल, जो वृंदावन है उन्होंने जोंक से एक बेबी को जन्म दिया था जो कुंवरसा को विषपुरुष बना है। सो आई गॉट टू नो दैट, मैंने एक ट्रैप रचा था एंड बेबी ने बिल्कुल वैसे ही किया एंड यू नो सो आई कुड मेक आउट और मैंने वो बेबी को ख़त्म कर दिया। सो एक जो लिंक थी जो कुंवरसा को विषपुरुष बना रही थी वो मैंने ख़त्म कर दी। सो दैट्स व्हाट आई डिड। सी मेरा फुल एम है कि इस नवरात्रि में मैं कुंवरसा को विश पुरुष, बिकॉज 9th डे पे माँ ने मुझे चैलेंज किया है वो कुंवरसा को पूरी तरह से विश पुरुष बना देगी एंड देन ही कैन नॉट कम बैक टू हिज ह्यूमन फॉर्म, और मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और इसलिए मैंने निर्जला व्रत रखा है एंड मैं पूजा कर रही हूँ ताकि वो विश पुरुष कभी ना बने। सो इसलिए मैं वो लीच मुक्त, जब वो बच्चा लीच बन जाता है तो पद्मिनी मुझ पर नमक का पानी डालती है एंड देन वो सारी काली शक्तियाँ ख़त्म हो जाती है। तो एक स्टेप ले लिया है मैंने जो मेन लिंक था, आगे देखते हैं तकलीफें तो आएगी और सितारा तकलीफें लेती रहेगी। प्लान से यही है कि बस किसी भी तरह, माई होल एम इज़ कि किसी भी तरह विराज को विश पुरुष ना बनने दूँ मैं। सो आई एम ट्राइंग टू सी कि जो जो माँ प्लान बना रही है उस प्लान को मैं ख़त्म करती रहूँ, और इसलिए अभी भी जो मेरा और माँ का सीन होने वाला है इट्स अ फाइट सीक्वेंस वे वो विश पुरुष को अपने कब्जे में कर लेती है, उसे छुपाने जाती है कि मैं उस तक ना पहुँच जाऊँ एंड देन आई कम देयर एंड देन हाउ वी हैव अ फाइट अभी। सो ऑल दैट इज़ हैपनिंग। सो ये होता ही रहे।